नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़ में मुजाहिद भारती आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन गुना के बमोरी क्षेत्र में किया गया। इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी का साहित्य बांटा गया, साथ ही उन्हें यह भी शपथ दिलाई गई कि उन्हें सिर्फ अपने बूथ पर ही ध्यान देना है। इसके साथ ही 51% से ज्यादा वोट बीजेपी के लिए डलवाना होगा। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए कार्यों का बखान जमकर किया गया। कार्यक्रम का आगाज पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री कन्हैयालाल अग्रवाल ने किया। कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को बमोरी विधानसभा से बुलाया गया था, वहीं सबसे ज्यादा कार्यकर्ता बमोरी सम्मेलन में देखे गए। इस कार्यक्रम में खास बात यह देखने को मिली कि सभी कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाई गई कि उन सभी कार्यकर्ताओं को आगामी चुनावों तक अपना घर का काम काज छोड़कर सिर्फ पार्टी को ही महत्व देना चाहिए, क्योंकि जब पार्टी का विधायक चुनकर आएगा तो आप सभी कार्यकर्ताओं के लिए जी जान लगा देगा। कार्यक्रम में कांग्रेस की नीतियों को भी जमकर कोसा गया। वहीं बताया गया कि कांग्रेस राजा व महाराजाओं की पार्टी है और सभी को संकल्प लेना चाहिए कि उन्हें इतनी तगड़ी हार देना होगा जिससे वे दोबारा आ ही ना सकें। और पिछले 14 साल से मध्य प्रदेश में हम सरकार में हैं और इसके कारण आज सभी मतदान केंद्रों के सभी गांव मोहल्लों में हमारे कार्यकर्ता हैं। लेकिन हम लोगों ने, कार्यकर्ता बंधुओं ने, प्रत्येक मतदान केंद्र में एक मतदान केंद्र का प्रमुख और 20 कार्यकर्ता, ऐसे 21 कार्यकर्ताओं का चयन किया है और आप वो सौभाग्यशाली कार्यकर्ता यहाँ मेरे सामने हैं जिनका हमारे जलाल दर्जी जी के नेतृत्व में आपके मतदान केंद्र में 21 कार्यकर्ताओं की जो टीम है। एकदम संख्या का कार्यक्रम मैंने 400 लोगों का देखा है, पर यहाँ जब 3000 से भी ऊपर लोग बैठे हैं, ऐसा सम्मेलन मैंने आज तक नहीं देखा। पहली बार इतने बड़े सम्मेलन में आया, इसके लिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यहाँ के सारे पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वैसे तो मैंने सुना है कि गुना जिले के जो सम्मेलन हुए हैं पार्टी के, वो सभी सम्मेलन एक से बढ़कर एक हुए, पर ये आज आखिरी इसकी सबसे बड़ा यही है, आप बुरा मत मानना। बहुत बड़ा सम्मेलन आप लोगों ने किया है। पूरे विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता भाई और बहन यहाँ पर आए हुए हैं। मुझे पता है बमोरी विधानसभा पूरी ग्रामीण विधानसभा है, इनको लात मारकर बाहर निकालना है। मैं कांग्रेस को गुना सीपी क्षेत्र से कांग्रेस मुक्त, प्रत्येक मतदान केंद्र हमारा कांग्रेस मुक्त करना है, इसका संकल्प लेकर हम सब कार्यकर्ताओं को यहाँ से जाना है। आने वाले समय में चुपचाप नहीं बैठना है, घर पर नहीं बैठना है, हर मतदान केंद्र को जीतना है हम लोगों को मिलकर, और उसकी सबसे बड़ी ताकत आप सब लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की असली ताकत सामने बैठे हुए हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं, जो अटल जी का सपना पूरा करेंगे, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना पूरा करेंगे, जो स्वामी विवेकानंद जी का सपना पूरा करेंगे एक नए भारत के निर्माण के लिए। आज देखिए, मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से हमारे देश की तस्वीर बदल गई। एक संकल्प हमको और लेना है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी वोट हमारा है और हमने परिश्रम करके बढ़ाया है, उस वोट को किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के बटन का दबाने के लिए जाने के लिए मतदान। बमोरी ब्लॉक के धनेरिया गांव में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ हो रही है। उक्त कथा का वाचन पंडित रमेश चंद्र भार्गव के द्वारा किया जा रहा है। आज इस कथा का 5वां दिन रहा, जिसमें उन्होंने राजा सागर भागीरथ कथा प्रसंग, श्रवण कुमार की पिता भक्ति, राम जन्मोत्सव, धनुष यज्ञ, राम विवाह, श्री कृष्ण जन्म की बड़ी धूमधाम से मनाया गया। वहीं संख्या में श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। Thank you.
तो कीर्तन कौन को होगो, शनिवार है हनुमान जी महाराज को ही हो। हनुमान जी से प्रार्थना करें, अरे जय जय पावन कुमार मेरे स्वामी सोनो रे झागर से हमारे सहयोगी जालम किरार की रिपोर्ट। राघोगढ़ प्रखंड के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दुर्गा वाहिनी के वन संचार कार्यक्रम में अतिथियों ने भगवान श्री राम के चित्र पर माल्यार्पण किया, साथ ही सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। उक्त कार्यक्रम स्थानीय सरस्वती शिशु मंदिर साडा कॉलोनी में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्व हिंदू परिषद के जिला धर्म प्रचार प्रमुख श्याम ओझा ने की। वही मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राघोगढ़ जिला प्रचारक राजपाल बघेल ने बताया कि सनातन धर्म के संरक्षण के लिए आत्मीयता समरसता व प्रेम को बढ़ाने हेतु वन संचार कार्यक्रम प्रत्येक प्रखंड नगर खंड एवं ग्राम समितियों पर समय समय पर होते रहना चाहिए, जिससे हिंदू समाज में समरसता का भाव जागृत रहे और हम सब हिंदू भाई एक रहें। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने खेल प्रतियोगिता, कबड्डी, कुश्ती, अखाड़ा, दंडाभ्यास और दुर्गा वाहिनी की बहनों ने खो खो रस्सीकूद खेल खेले। तत्पश्चात सहभोज भी किया गया। इस कार्यक्रम में समितियों के कार्यकर्ता एवं हिंदू संगठनों के पदाधिकारी सम्मिलित हुए। जिला स्तरीय हितग्राही सम्मेलन एवं कौशल रोजगार पंचायत का कार्यक्रम स्थानीय पीजी कॉलेज में किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक पन्नालाल शाक के कांग्रेस को कोसते हुए नजर आए। यहां विधायक पन्नालाल शाक ने कांग्रेस के शासनकाल को कोसते हुए कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल की वजह से ही बेरोजगारी बढ़ रही है एवं लोग भारत माँ की जय भी सही से नहीं बोल पा रहे हैं। हालांकि उक्त कार्यक्रम हितग्राहियों को सम्मानित करने के लिए था, लेकिन यहां पर अव्यवस्थाएं चरम पर देखने को मिली, जहां एक और कई कुर्सियां खाली पड़ी रहीं, जिन्हें भरने वालों को भीड़ भी कम नजर आई। वहीं इस कार्यक्रम को सुनने के लिए कई लोग अपने परिवारों के साथ यहां पर मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में अलग अलग स्टॉल भी लगाए गए थे, साथ ही कई वक्ताओं ने अपने वक्तव्य भी इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ उपस्थित जनों के बीच रखे। यहाँ पर एक छत के नीचे सभी हितग्राहियों को लाभ पहुंचाए, इसी कड़ी में इस कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, केस शिल्पी योजना, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री कौशल्या संवर्धन योजना, महिला सशक्तिकरण, कृषि उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य हाथकरघा रेशम विभाग के द्वारा सभी जितनी भी योजनाएं संचालित होती है, आज उनका जो यहाँ पर हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति एवं ऋण वितरण के माध्यम से लोगों को लाभ पहुंचाया जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर अपन रोजगार के प्रति कितने संवेदनशील है, इस बात से स्पष्ट हो गया कि अपन ने भारत माता की जय नहीं बोली। हम जिस देश में रहते हैं, उस देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और अपने जिला पंचायत के अध्यक्ष अर्चना जी से अपन सब रोजगार की कल्पना कर रहे हैं, पर हमको लगाव किसी से नहीं है। ना तो हमको जिले से लगाव है, ना प्रदेश से लगाव है, और ना ही हमको भारतवर्ष से लगाव है। अगर लगाव होता और प्रेम होता तो भारत माता की जय इतनी जोर से बोलते कि जय तुम चौराहे तक आवाज जाती। 70 वर्षों में हमारे मन के अंदर केवल यही बात विकसित हुई है कि हम अपने अधिकारों की तो बात करते हैं, पर कर्तव्यों के विषय में आज तक नहीं सोच पाए इन 70 वर्षों में। और जो देश हमारे समान अंतर स्वतंत्र हुए थे, हमारे समान अंतर स्वतंत्र हुए थे, वे आज प्रथम पंक्ति में बैठे हैं और हम आज भी बेसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। उसका मात्र एक कारण यह है कि हमको हमारे भारतवर्ष से लगाव नहीं है, और लगाव अगर होता तो भारत माता की जय हम बहुत जोर से बोलते। आज इस मंच पर हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय गुना जिले के विधायक आदरणीय पन्नालाल जी साथ एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण, कलेक्टर महोदय और जिला पंचायत की सीओ मैडम और चौहान साहब और संतोष धाकड़ जी।
जी और नखराली जी, सभी अतिथिगण, सभी को बहुत बहुत वंदन। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी आप दूर दूर से पधारे हुए भाइयों और बहनों और सभी अधिकारीगण और पत्रकार बंधुओं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री जी की ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका आज यहाँ सभी को लाभ मिलेगा और सभी लोग उस योजना का लाभ उठाएं और भी हमारे जो हितग्राही बचे हैं उनको भी इस बात के बारे में बताएं, इस योजना के बारे में उसे समझाएं ताकि वो हितग्राही भी इस योजना का लाभ ले सके। और आज हमारे क्षेत्र में आप बहुत तरक्की पर जाते हैं, आपको जिस वाहन का लोन चाहिए वो सारे अधिकारी गण आपको लोन उपलब्ध कराते हैं, मध्य प्रदेश शासन आपको छूट देती है, स्कीम देती है, मध्य प्रदेश शासन बहुत सरल और सामान्य बहुत अच्छी गति से आप लोगों को लोन उपलब्ध करा रहा है। मैंने 10 18 से 21 साल तक के बच्चों का अगर उसमें सिलेक्शन होता है तो आपको भारत सरकार ऐसे क्या करना है जहाँ से राशि वितरित की गई, तो ग्राम पंचायत का नाम देखने को मिल रहा है सभी लोगों में। संभाग स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन स्थानीय संजय स्टेडियम में किया गया। इस आयोजन में संभाग भर की कई टीमों ने हिस्सा लिया, साथ ही जिले की भी कई टीमों ने यहां पर अपने खेल का प्रदर्शन किया। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में कम टीमें होने की वजह से इस प्रतियोगिता को एक ही दिवस का करना पड़ा। संभाग स्तरीय थ्रोबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, तीनों वर्ग में 14, 17, 19 बालक बालिका में, जिसमें 6 जिलों की टीमों ने भाग लिया है। कहाँ कहाँ की टीमें आई हैं? ग्वालियर, सीपरी, भिंड, मुरैना, अशोकनगर और गुना, दतिया और सोपुर टीमों ने भाग लिया। कितने दिन चलेगा ये? ये एक ही दिवस में ही खत्म हो जाएगा। टीमें मतलब तीनों वर्ग में तीनों टीमें नहीं हैं, कुछ टीमें कम आई हैं, जैसे ग्वालियर पूरी है, भिंड की 2 टीमें थी, मुरैना की 2 टीमें थी और गुना की खुद की 4 टीमें थी, 2 टीमें कम थी। इस तरह से कम टीमें होने के कारण एक दिवस में ही, और जो क्या पॉइंट वाला रहता है 15 पॉइंट, तो मैच भी जल्दी खत्म होता, टाइमिंग का नहीं है। सिटी कोतवाली पुलिस के हत्या चढ़ा स्थायी वारंटी, उक्त आरोपी कई वर्षों से फरार बताया जा रहा है। वहीं इस आरोपी को पकड़ने में आरक्षक सुरेंद्र मिश्रा का सराहनीय योगदान भी रहा। बता दें कि आरक्षक सुरेंद्र मिश्रा वारंटियों को पकड़ने में एक्सपर्ट हैं और पुलिस महकमे द्वारा इन्हें वारंटियों को पकड़ने के लिए कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भी सुरेंद्र मिश्रा को पुरस्कृत किया गया था। लाल चिराड़ सन ऑफ इमरत लाल चिराड़, हरिपुर रोड, कूड़े बालाजी, गुना, इस पर जो है 5 वारंट, स्थाई वारंट थे, जो काफ़ी वर्ष 1910 से फरार चल रहा है। आज हमारे थाने के आरक्षक सुरेंद्र मिश्रा के द्वारा इसको पकड़ा गया है, जिससे हमारे 4 स्थाई वारंट भी शामिल हुए और एक अच्छी कार्रवाई हुई। सर, सुरेंद्र जी ने पहले भी बहुत से वारंटी पकड़े हैं सर, इसके लिए कोई इनको समय समय पर पुरस्कृत किया जाता है और CM के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा भी पूर्व में इनको इसके लिए पुरस्कृत किया गया है और ये स्थायी वारंट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
अन्नपूर्णा कॉलोनी में खेलते हुए एक बच्चे को एक बाइक सवार द्वारा टक्कर मारकर चोटिल कर दिया गया। उक्त बाइक सवार वहां से फरार बताया जा रहा है, जिसकी शिकायत बच्चे के पिता ने सिटी कोतवाली में दर्ज कराई है। बच्चे के पिता ने नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई और बताया कि बच्चा जब खेल रहा था तो उस समय उक्त व्यक्ति ने आकर बच्चे को टक्कर मार दी, जिससे उसकी आंख में काफी गंभीर चोट आई है। ये नीचे के लेयर को गाड़ी भरा है और इसमें एक्सीडेंट करके वो रुको नहीं। कौन? हरी सट्टा वाला। कौन हैगा? हरी सट्टा वाला। अच्छा, वो कौन सी गाड़ी लिए था? वो एक्सीडेंट। तो बच्चा नीचे खेल रहा था रोड पे, तो उसको कहाँ चोट आई है बच्चे को? आँख में। आँख में ज्यादा लगी है? हाँ। इसकी रिपोर्ट करवा दी आपने? रिपोर्ट करवा दी। उमरी चौकी अंतर्गत रानीपुरा में नाले में गिरने से बच्चे की मौत हो गई है। बच्चे के बारे में बताया जा रहा है कि सुबह सुबह बच्चा खेत में ककोरे तोड़ने गया था, जिसके बाद नाले में बच्चे की चप्पल तैरती हुई नजर आई, जिससे ग्रामीणों ने अंदाजा लगाया कि शायद बच्चा नाले में गिर गया है, जिसके बाद तलाश कर उसकी लाश को वहां से बाहर निकाला गया। बच्चे की उम्र लगभग 10 से 11 साल बताई जा रही है। साथ ही अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बच्चा आखिर नाले में गिरा कैसे। हालांकि बच्चे के शव को जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना भी शुरू कर दी है। तो क्या घटना हुई बता? बताया मतलब आपके बच्चे के साथ में क्या हुआ? चारा काटने गए थे बच्चे, दोनों लड़के आए थे और घर से केके नहीं आए, दोनों केके नहीं आए तो आके घास काटने चले गया बड़ा भैया, छोटा भैया वहीं ककोरे तोड़ने लगा, वो आते ना अच्छा अच्छा ककोरे, उसने वो तोड़ने चले गया था। अच्छा, तो उसने आके देखा तो चप्पल ही चप्पल तैर रही थी पानी में। पानी में? हाँ, तो वो घर पे आके थी जब हम लोग गए, जब तो बच्चा डूब गया। लड़की की कितनी है? 10-11 साल। अच्छा, और उससे थोड़ा बड़ा है वो, तो पगला ही है बड़ा भैया जैसे ही है। तो वो गलत मतलब उसका पैर से लिफ्ट मार गया? पैर मारा क्या मारा आपको पता नहीं, तो गड्ढे में गिर गया। गड्ढे में गिर गया। पुराना तो तालाब के बगल में है? नहीं, नाला, नाले के बगल। ठीक है, कौन सा गांव बताया आपने? नानीपुरा। कौन सा थाना लगता है? चौकी नियाला थाना। रोटरी क्लब रॉयल ने किया पौधारोपण। रोटरी क्लब गुना रॉयल के द्वारा एक निजी स्कूल के प्रांगण में प्रकृति से प्रेम बढ़ाओ, हर साथी एक पेड़ लगाओ के नारे के साथ पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में समस्त रोटेरियन साथियों एवं स्कूल के छात्र छात्राओं सहित स्कूल के स्टाफ ने भी हिस्सा लिया। रोटरी क्लब रॉयल अध्यक्ष रोटे राहुल पांडे द्वारा पौधारोपण से होने वाले प्राकृतिक लाभ के बारे में बताया गया। साथ ही सभी को प्रण दिलवाया गया कि हर व्यक्ति अपने जीवन काल में कम से कम एक पौधा जरूर लगाए। इस अवसर पर सभी रोटेरियन साथी उपस्थित रहे। रोपण के लिए सहयोग दिया और वृक्षारोपण करने के लिए अपने प्रमाइसेस में जगह दी, और रोटरी अंतर्राष्ट्रीय रोटरी की थीम के अनुसार आज हमें वृक्षारोपण का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और गवर्नर की साइटेशन के हिसाब से आगे भी हमें प्रकृति को संतुलन के लिए ये बहुत लाभदायक चीज़ें हैं, और आगे भी इनको करते रहेंगे और इनका संरक्षण भी होता रहे वो बहुत फायदे की चीज़ें, और ऑक्सीजन और सब मतलब प्राकृतिक संतुलन बनाने के लिए एक लाभदायक प्रणाली है पौधारोपण। और इनको पौधारोपण के साथ में इनको बचाना, इनका केयर करना एक बहुत आवश्यक है। पौधे तो कितने ही लगा लेंगे हम लोग, लेकिन यदि हमने दो पौधे भी जीवित कर लिए, बचा लिए इनको आगे लॉन्ग टाइम के लिए, तो बहुत लाभदायक। डिजियाना न्यूज़ में आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।